तो संवत के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पौष के महीने के बारे में, जो कि है दसवां महीना हिंदू कैलेंडर यानी विक्रम संवत का। पौष का महीना है कड़ाके की ठंड, जब शीत ऋतु अपने चरम पे होती है, और ये महीना है सूर्य की उपासना का। तो जाहिर सी बात है, जब शीतलता अपने चरम पे होगी तो उससे आराम दिलाने के लिए सूर्य देव की ही उपासना की जाती है। इसलिए इस महीने में सूर्य को प्रातःकाल अर्घ्य देने का एक विशेष महत्व है। इसके अलावा पौष के महीने में आती है पुत्रदा एकादशी, जो कि विशेष महत्व रखती है। जो लोग पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं, वो व्रत कर सकते हैं एकादशी पे, उसका विशेष फल प्राप्त होता है। मंदिरों में पौष बड़े बटते हैं, दान पुण्य किया जाता है, और पौष में महाशिवरात्रि भी आती है, पौष शिवरात्रि के नाम से, जिस पे भी व्रत करने का विधान है। तो पौष के महीने में लोगों का खान पान हो जाता है शीत ऋतु के अनुसार। वो सारी चीजें जो आपके शरीर को ताप दे, जो आपके शरीर को गर्म रखे, वो भारतीय घरों में खाई जाती है। जैसे खाने में बाजरे का इस्तेमाल बढ़ जाता है, बिकॉज बाजरा शरीर को गर्म रखता है। तो बाजरे की खिचड़ी हो गई, बाजरे की रोटी हो गई, बाजरे का साग में इस्तेमाल होता है। इसी के साथ सब्जियों की अगर बात करें तो पालक, सरसों, मूली, गाजर, शलगम, ये वो सब्जियां हैं जो सर्दियों में आपको सेहत प्रदान करती हैं, ऊर्जा भी प्रदान करती हैं और शरीर को गर्म रखती हैं। इसके साथ साथ मूंगफली, गुड़ और तिल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तरह तरह की मिठाइयाँ जैसे रेवड़ी, गज्जक, तिलपट्टी, तिलबुग्गा, गोंद का इस्तेमाल होता है लड्डुओं में अलग अलग तरह से, क्योंकि गोंद भी शरीर को गर्म रखता है। तो वो सारी चीज़ें जो शरीर को ताप दे, वो सारी चीज़ें इस महीने में खाई जाती हैं। लोग अपने परिवार के साथ घरों की छत पर बैठ के धूप सेकते हैं, तो सूर्य देव की ऊर्जा को अपने शरीर में महसूस करिए। और धूप तो आयुर्वेद के अनुसार आपको बहुत सारे रोगों से बचाती है। मॉडर्न साइंस भले ये कहे कि विटामिन डी धूप से मिलता है, पर इसके अलावा सूर्य देव तो प्राण दाता है। सूर्य ना हो तो धरती पे जीवन ना हो। तो सूर्य की जो रोशनी है वो आपको एक तरीके से एनर्जाइज कर देती है। इसके अलावा भारतीय घरों में बनता है हलवा। ये मौसम है हलवा का, गाजर का हलवा, आटे का हलवा, सूजी का हलवा, मूंग की दाल का हलवा, और भारत में तो तरह तरह के हलवे, गरम गरम हलवा और गरम गरम दूध। तो गरम चीजों का सेवन इस महीने में आयुर्वेद के अनुसार बताया गया है। तो पौष के महीने में अपनी सेहत को और बढ़ाइए, ये महीना सेहत बनाने का है। सूर्यदेव की उपासना करिए। आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में संवत के, और बात करेंगे माघ माह के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।